बागेश्वर बालाजी धाम सरकार ने हाल ही में एक नारा दिया है कि गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय से ही गाय बचेगी। गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बल्कि राष्ट्रीय धन घोषित किया जाना चाहिए और हर हिंदू को एक गाय अपने घर पालना होगा। आज 7 दिवसीय कथा प्रारंभ होने के पूर्व बागेश्वर बालाजी धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नगर के पत्रकारों से वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सहनशीलता और साहसी बनाने से ही उनकी आत्महत्या बंद होगी। दरबार की महिमा के बारे में उन्होंने कहा, यह सब सरकार की कृपा का फल है, वेद मंत्रों की ऋचाओं की महिमा और लोगों की भावना का फल है। गुरु बनाने या गुरु का चयन करने के लिए अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करना चाहिए। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो उसकी डिग्री देखते हो, लेकिन गुरु का चयन करते समय उसका पूरा परिचय भी नहीं लेते। इसलिए गुरु सदैव श्रेष्ठ होना चाहिए। सच्चा गुरु वही है जो अपनी सेवा न करा के भक्त को भगवान से मिलाने का मार्ग बताता है। गौरीशंकर मंदिर परिसर में आयोजित इस वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, पूर्व विधायक राहुल सिंह, पुष्पेंद्र सिंह हजारी सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे। काशी हटा में आकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मंदिर का नगर है, संतों का नगर है, अगर ये कहा जाए अतिशयोक्ति नहीं होगी, भगवान के साथ साथ ही भक्तों का नगर। ऐसे नगर में आकर के अतीब प्रसन्नता हुई। जो आपने विषय रखा, पूर्ववत ही दास के कई ऐसे प्रयास हैं जिससे समाज हमारा आगे बढ़े, माताएं हमारी इतनी मजबूत बने ताकि जो है ऐसे कोई कदम ना उठाने पड़े जिससे उन्हें आत्महत्या करनी पड़े। इसके लिए निरंतर 7 दिन हम कथा में प्रयास करेंगे और आपकी बात को विशेष गौर करके भगवत प्रेरणा से, गुरु प्रेरणा से जो भी कथा करना होगा। विचित्र देखिए, चमत्कार बालाजी का है, बागेश्वर धाम बालाजी का, दास का नहीं है। लोगों की भावना है तो भावनाओं का सम्मान है, स्वागत है, परंतु उसके लिए दूसरों को करने के लिए गुरु परंपरा में आना बहुत आवश्यक। ये दास की कोई महिमा नहीं है, दास का मतलब इस शरीर की कोई महिमा नहीं। बागेश्वर बालाजी और जो हमारे पूज्य दादा गुरु हैं, ये परंपरा में अंतर्गत दरबार लगना, लोगों के कृष्ण जान लेना, नाम बता देना या भावनाओं को जान लेना, ये दरबार की एक महिमा है, गति है। वो हमें दादा गुरु की परंपरा से प्राप्त हुई। हम लगभग 9 वर्ष के थे तब दादा गुरु के चरणों में चले गए थे। तो कोई अगर इतना त्याग करके जाने जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने का सिद्धांत बना ले, तपस्या करने के मार्ग पर बढ़ जाए, गुरु के चरणों की धूली पकड़ ले, तो गुरु को न माने, गुरु की आज्ञा को माने। गुरु को तो सम्मानते हैं पर गुरु की कोई नहीं मानता। माता पिता को सम्मानते पर माता पिता की कोई नहीं मानता। तो हम यही कहेंगे कि जो भी जाना चाहता है, इस मार्ग में करना चाहता है, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। सभी सिद्धियाँ आज हैं, ये सब वेदों का महिमा है, वेदों के मंत्रों की महिमा।